Very good morning and a very warm welcome. दम यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादरी मबूल सैमुअल का सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आप सबने अच्छी नींद ली होगी और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। आपका दिल पसंद प्रोग्राम हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हैं। आज ये प्रोग्राम थोड़ा सा हमने देर से शुरू किया क्योंकि वीकेंड था। मैंने कहा थोड़ी आप रेस्ट कर लें। मुझे मालूम है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं और आपके जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बाइबल टीवी ग्लोबल 24/7 आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो लेकर आता है। और ये आपका अपना चैनल है जिसे आप प्यार करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस माध्यम के लिए। अगर आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि उस चैनल को देखें तो आपको मैं वेबसाइट दे देता हूं www.bibletvglobal.com। लाइव फेसबुक पे है जी और इसके साथ साथ यूट्यूब पर लाइव है और एप्पल टीवी, एंड्रॉयड की जो फाइव स्टिकर्स पे। और कल मैंने जो एंड्रॉयड की जो आपको ऐप भेजा था अमेजोन की जो फाइव स्टिक है उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। उसको अपने टीवी की यूएसबी में लगाइए पोर्ट में और आप उसको बाकी चैनल भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको फ्री ऐप का जो लिंक भेजा था एंड्रॉयड का और एप्पल का, आप उसको डाउनलोड कीजिए। और जो फीडबैक मुझे दीगर ममालिक से आई इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आजकल आपको पता कि ये बड़ी सहूलत है, मोबाइल आपके पास है, आप जहाँ कहीं भी हों आराम से आप अपनी सहूलत जैसे भी आप उसको समझते हैं आप उसको देख सकते हैं। आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको ऐप को तैयार करवाया है। एप्पल का तो पहले भी ऐप जो है वो जारी था और लोग उसको देख रहे थे, अवेलेबल था, तो अभी एंड्रॉयड का जो ऐप है वो भी अवेलेबल है। तो आप बाइबल टीवी ग्लोबल टाइप कीजिए, ऐप पे जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए और जब भी आप चाहें जहां भी चाहें आप उसको देख सकेंगे। इसके अलावा जो एप्पल टीवी है उस पर भी बाइबल टीवी मौजूद है, वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। और ये माध्यम है जी जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अभी हमारे साथ फेसबुक पर भी जो लोग हैं वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जिसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो हम वेलकम कहते हैं जी अपने दोस्तों को जो कि इंतजार में थे कि कब प्रोग्राम शुरू होगा। तो आइए हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जबूर 90 बहुत खूबसूरत जबूर है और आइए हम इस जबूर की चंद आयात जो हैं उनको आज इस प्रोग्राम के आगाज में तिलावत करते हैं। या रब पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है, इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तूने बनाया, अजल से अब तक तू ही खुदा है। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है आए बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नजर में हजार बरस ऐसे ही हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर तो उनको गोया सैलाब से बहा ले जाता है। वो नींद की एक झपकी की मानिंद है, वो सुबह को उगने वाली घास की मानिंद है, सुबह को लहलहाती और बढ़ती है और शाम को कटती और सूख जाती है, क्योंकि हम तेरे कहर से फना हो गए और तेरे गजब से परेशान हुए। तूने हमारी बदकारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे, हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है या कुवत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मशक्कत और गम है, क्योंकि वह जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। बहुत खूबसूरत जबूर है। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अगे खुदा,
साड़ी उम्र भी गुजर ही गई है, जिमें गुजरे ख्याल, 70 बरे भी 80 बरे भी, आखिर हूं फिर भी। यह जी हकीकत इंसान की जिंदगी की। डॉक्टर बिली ग्रहम बड़ी खूबसूरत बात कही कि मौत दुनिया की एक अचल हकीकत है। ये अमीर को उसके लाखों में और गरीब को उसके चित्रों में ले जाती है, ये एक हकीकत है। लेकिन इससे बढ़कर भी एक बहुत बड़ी हकीकत है, और वो हकीकत यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र पर और मौत पर फतह पाई और कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठे, और उन्होंने हमें ये मुबारक उम्मीद बख्शी है कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है को वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। यूहन्ना का अंजीली बयान उसका 14 बाब और उसकी पहली जो 6 आयात है, बड़ी खूबसूरत आयात है। और आज सुबह जस्ट फॉर यू एनकरेजमेंट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फियर अमंग द पीपल एंड दे आर थिंकिंग अबाउट दिस कोरोना वायरस एंड अदर थिंग्स यू नो, बट देयर इज अ होप इन जीसस क्राइस्ट, इट्स अ वंडरफुल प्रॉमिस। यूहन्ना का अंजीली बयान उसका 14 बाब, John 14, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि लिए तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। तो हमने उससे कहा, हाय खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु से कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। आइए हम दुआ मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र हो कि तू जिंदा और कामिल राह है, तू सच्चाई है, तू अपने अंदर जिंदगी रखता है। खुदा हम वो जिंदगी इसके बारे में यूहन्ना ये गवाही देते हैं, हम उस जिंदगी की बाबत तुम्हें बताते हैं जिसको हमने छुआ, जिसको देखा, जिसको सुना, उस जिंदगी की तुम्हें गवाही देते हैं। पाक खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो कि तू जिंदगी का सरचश्मा है। हम रात की मीठी नींद के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस रोशनी के लिए जो तूने हमें बख्शी, तेरा शुक्र करते हैं। सचमुच है खुदावन, इंसान की उम्र बालिश्त की मानद है, ढलते साए की मानद है, घास की मानद है, पर तू दाइम यहोवा है, तू कल आज बल्कि अब तक यकसा है, क्योंकि तू कादरे मुतलिक है, तू हमारा खुदा है, तू हमारा खालिक है। खुदावन आज के सारे दिन को तेरे हाथों में देते हुए तेरे पाक रू की मामूरी चाहते हैं। इस सारे प्रोग्राम के लिए खुदावन दुआ करते हैं इसमें तुम्हारे साथ हो, अपने लोगों को बरकत दे, कुवत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत तो तंदुरुस्ती का फरमा। खुदावन हमारे जहनों का, ख्यालात का कब्जा ले ले, अपने पाक रू से मामूर कर, हमारी हमदो सना पर तखनशी होना, और जब तेरे सुंदर कलाम पर गौर करते हैं तो खुदावन तो हमें अकल, दानिश और हिकमत की रू बख्शना। इन तमाम भैर भाइयों के साथ हो, सबको बड़ी बरकत दे। यीशु के जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जिसवाइए खुदावन की हम करते हैं, उसकी स्ताइश करते हैं, और मेरा भी और आपका भी ये पसंदीदा जबूर है। आइए इस जबूर को सुनते हैं आरिफ रोजर के साथ मिलकर, और ये तो आप सबके पसंदीदा गॉस्पेल सिंगर भी हैं, हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने एक नई सीरीज जो शुरू की है, हजरत दाऊद के जबूर, तो ये उन्हीं का एक हिस्सा है। तो आइए हम इस जबूर को सुनते हैं और खुदा उनकी तारीफ करते हैं।
सब सब के दोस्तों है निहान मेहरबान मेहरबान। नहायत है रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान। सचमुच खुदावन जो है वो मेहरबान है। खुदावन हम पर अपना कर्म करता, अपना फजल करता,
उसके लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। लिट्विंस भाई दीवान और पूरी टीम रॉजर खुदा को बड़ी बरकत दे, उन्होंने ये एक सिलसिला शुरू किया है मजामीर को इस तरीके से रिकॉर्ड करवाने का। हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जरूर उनके लिए आप दुआ कीजिए, खुदा उन नौजवानों को और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आइए खुदा उनके सुंदर पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। मुकद्दस मरकस का अंजीली बयान, इसका पहला बाब 21 आयत से लेकर 28 आयत तक, सफर नंबर 35 पर है उर्दू की बाइबल में। मार्क चैप्टर 1 वर्स 21-28। खुदा का खूबसूरत बाबरकत पाक मुकद्दस मरकस का अंजीली बयान का पहला बाब 21 से 28 आयत तक यूं मरकूम है, फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फिलफोर्स सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए क्योंकि वो उनको फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिलफोर उनके इबादत खाने में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रू थी। वो यूं कहकर चलाया कि आई यस्सु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमको हलाक करने आया है, मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यस्सु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रू उसे मरोड़ कर और बड़ी आवाज से चलाकर उसमें से निकल गई और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है, वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती है। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। बहर भर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू बाख्तियार है, तू कहता है और हो जाता है, तेरे मुंह के दम से तमाम कायनात बनी। खुदा तूने मुर्दों को आवाज दी और वो कब्र में से बाहर आ गए। खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस कुदरत के लिए, तेरी ताकत के लिए। यीशु जी शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं कि आप जिंदा खुदा हो, आप कदूस पाक हो। आई पाक रू आपका शुक्र करते हैं कि आप हमारे अंदर रहते हो। हमारी अकल नाकिस है, हमारे ख्यालात महदूद हैं, पर आप लामहदूद हो प्यारे खुदा। अकल दीजिए, वहम दीजिए, हिकमत दीजिए ताकि हम आपके पाक कलाम को आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी हिकमत से समझ सके। अपने लोगों को बड़ी दानिश दीजिए, सुनने वाले कान अता फरमाइए, हमारे जहनों की मट्टी को कलाम के इस बीज के लिए तैयार कीजिए ताकि कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सब फल लाए। यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के लिए। अजीजो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खुदावन का पाक कलाम हर रोज हमें तरोताजा करता है। जब भी हम पाक कलाम को पढ़ते हैं उसमें से कोई ना कोई नई बात हमें सीखने को मिलती है। जब मैं इस विर्द को भी तलावत कर रहा था तो मैं सोचा था कि अगर इस इक्तबास पर, इस टेक्स्ट पर मैं बात करना शुरू करूं तो शायद पूरा दिन भी काफी ना होगा। इट्स वेरी डीप, इट्स अबाउट द अथॉरिटी ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इट्स अबाउट हिज
power. It's about his name, his kadush, his holy. वो पाक है, खुदा का कुदूस है. Then his power and authority and victory over the evil forces. So there's so many things. But apart from that, I would like to raise one question today. This question is very challenging. Why we should come to church? Hum girja ghar kyun jaate hain ya kyun jaye? In dinon mein hum dekh rahe hain ki hum bahut zyada lockdown ki wajah se pareshan hain, khuda unke ghar mein milkar ibadat nahi kar pa rahe. Khuda ne Yeshu Masih jab ibadat khana mein jaate the. Acha yahan par ek baat suniye. There's a difference between the synagogue and the temple. Temple was a place where they were offering the sacrifice. जहाँ पर कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थी. और मैंने आपको हैकल के बारे में बताया था. इसके मुख्तलिफ सहन थे. पहला सहन जो था वो गैर कौमों के लिए था, जहां पर लोग खरीदो फरोख्त भी करते थे. दूसरा सहन जो था वो खवातीन के लिए, औरतों के लिए मुख्तस था. तीसरा सहन जो था वो इसराइलियों के लिए. और फिर पाक मकाम और फिर पाक तरीन मकाम, जिसमें काहिन साल में एक बार जाता था. उसके पाक मकाम के और पाक तरीन मकाम के दरमियान एक पर्दा था, जो कि जब खुदा मसीह ने स्लीप पर जान दी, कहा तमाम हुआ, तो वो पर्दा जो है वो दो टुकड़े हो गया, फट गया. इबादत खाना या सिनेगॉग जो आज भी मौजूद है पूरी दुनिया में, यहूदियों के सिनेगॉग जो हैं वो पाए जाते हैं, जहां पर वो इबादत करते हैं. और सिनेगॉग जो है, जो इबादत खाना है, इट्स नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप, बट दैट वाज आल्सो अ सोशल सेंटर फॉर इज़राइलाइट्स. यहूदियों के लिए ये एक ऐसी जगह है जहां पर वो बैठकर तालीम भी हासिल करते और अपने जो समाजी मसाइल थे उनको भी वो डिस्कस करते थे. मौजूदा दौर में जो चर्च है, ये हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है. जब मैं इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं तो इसको बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा. चर्च इज नॉट ओनली द प्लेस वर्शिप. Church is an institution where people are coming to learn the word of God. If the church is failed to teach the word of God, it cannot be institution. It can be only place of worship. But the church is a focal point for the community. Church ki jo khidmat hain, wo bahut hi grand qadar hai. Church, जब मैं बात करूं, यहां पर मैं अक्लीजिया की बात नहीं कर रहा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल. आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल बॉडी, द बिल्डिंग. ऐसी बिल्डिंग जहां पर सब लोग इकट्ठे होते और खुदावन की इबादत करते हैं, जहां पर कलाम की तफसीर बयान की जाती है, जहां पर खुदावन की हमदो सना की जाती है. We can have the exposition of the Bible. We can worship the living God. There is no sacrifice. Qurbaniyan church mein nahi guzrani jati. Hum apne honton ka phal uske samne pesh karte hain. Khudavand ki maslubiyat ke baad, qurban hone ke baad, there is no need of any bull or any sheep or oxen or any dove. अब उन कुर्बानियों की, उन भेड़ बकरियों की, उन गाय और बैल की कोई जरूरत नहीं है, because Jesus Christ is the perfect lamb of God.
वो जो कुर्बानियां थी वो किसी एक खानदान के लिए, किसी एक कबीले के लिए, किसी एक शख्स के लिए होती थी। ऑल दीज सैक्रिफाइसेस वर ओनली फॉर वन ट्राइब, फॉर वन फैमिली, फॉर वन पर्सन, बट द सैक्रिफिशियल ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज फॉर द होल वर्ल्ड, तमाम दुनिया के लिए उसने अपना लहू बहा दिया। खुदा ने दुनिया से, जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो द चर्च इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्रेस। क्यों हमें चर्च जाना चाहिए? खुदा उनकी हम्द व सना के लिए, खुदा उनकी इबादत के लिए। Why we should come to church? बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी खुदा तो हर जगह मौजूद है, घर भी इबादत हो जाती है, पैसा कड़ी जरूरत है ना? आमतौर पर मैंने लोगों को ये एक्सक्यूज देते हुए सुना है कि जी घर में भी तो इबादत हो सकती है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द पास्टर्स, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट अदर ह्यूमन बींग। फॉर मी द वंडरफुल एंड द ग्रेटेस्ट रोल मॉडल इज अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह इबादत खाना में गए। जो कुछ यीशु ने किया हमें वो करने की जरूरत है। If I'll go back to that baptism, खुदावन ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा कि इसको होने दो। कहते मैं तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। खुदावन ने कहा कि मुझे ये बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने अपने आप को गुनाहगारों के बराबर ठहरा दिया। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने उसे कब्जे में रखने की चीज ना समझा बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की। अजीजो खुदावन यीशु मसीह हमें दुआ करते हुए नजर आते हैं। वी हैव टू प्रे। खुदावन यीशु मसीह हमें रोजा रखते हुए नजर आते हैं, हमें रोजे की जरूरत है। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि 40 दिन, 30 दिन, 10 दिन, इट्स नॉट अ मैटर। खुदावन ने 40 दिन का रोजा रखा, बिकॉज उन्होंने कुछ ना खाया। तो जो यीशु ने किया, अगर उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए, अगर उसने लोगों से मोहब्बत की, तो हमें भी ऐसा करना फर्ज है। अगर खुदावन इबादत के लिए इबादत खाना में जाते थे, तो हमें भी खुदावन के घर में आने की जरूरत है। There is no excuse। और ये बात याद रखें कि जो खुदा का घर है, जो चर्च है, द हाउस ऑफ गॉड, ये खुदा का घर है। दैट हाउस बिलोंग्स टू गॉड एंड देयर इज अ थियोक्रेसी इन द हाउस ऑफ गॉड। वहां पर गरीब की, अमीर की, गोरे की, काले की कोई तफरीक नहीं है। All the people, they are welcome to this place of worship। और जब ये बात भी ज़हन नशीन करें कि जब उस घर को, उस जगह को जिसको हम चर्च कहते हैं, गिरजा कहते हैं, जब उसको डेडिकेट किया जाता है, जब उसकी मखसूसियत की जाती है, जैसे कि हैकल को मखसूस किया गया जब सुलेमान ने खुदा का घर बनाया, खुदा ने कहा कि अब से जो दुआ यहां पर की जाएगी मेरे कान उस पर लगे रहेंगे, तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, अपनी बुरी राहों से फिरें, अपने गुनाहों का इकरार करें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके उनकी दुआओं का जवाब दूंगा, उनके गुनाहों को माफ करूंगा, उन्हें बहाल करूंगा, उनके मुल्क को बहाल करूंगा। When we are praying together,
जहां भी दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्शिप टुगेदर, हमें सबको मिलकर खुदावंद की इबादत करना है। जब हम इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं ये ऐसे ही है कि जैसे आप देखें, एक तो मैंने जैसे बताया कि देयर इज इक्वालिटी, यहां पर बराबरी की बात है कि सब उसमें आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स रूहानी तौर पर कमजोर होता है तो दूसरे शख्स जो ज्यादा खुदा में मजबूत होते हैं वो उसके लिए तरक्की का सबब बनते हैं। जैसे कोयला जो है, जब हम देखते हैं कि अगर वो अगर उसमें तपश ना हो तो वो दूसरे कोलों के साथ मिलकर वो भी उसमें तपश आ जाती है। जब हम मिलकर दुआ करते हैं तो खुदावन हमारी दुआओं को सुनता है। और क्लाम्स कहते हैं जब दो लोग किसी बात पर इत्तफाक करेंगे, मुत्तफिक होंगे, तो वो बात आसमान पर हो जाएगी। सो व्हेन वी आर प्रेइंग टुगेदर द होली स्पिरिट इज वर्किंग इन दैट प्लेस। खुदावन का पाक कलाम हम सीखने के लिए खुदावन के घर में आते हैं, ये बड़ी अहम बात है। हमें खुदा उनके घर में आने की जरूरत है। और लिखा है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो सब्बत के दिन अबाद खाना में जाकर तालीम देने लगे। दैट वाज़ अ डे ऑफ सबा। कुछ वहां पर हालात जो है, सिचुएशन वो खराब हो गई। जो लोग वहां पर फकीर फरीसी थे वो ये सोचते थे कि दे आर रूलर ऑफ सिनेगॉग एंड देयर वाज नो परमानेंट प्रीचर और टीचर। जीसस वेंट देयर एंड दे आस्क हिम टू रीड द स्क्रिप्चर। लेकिन फिर भी जो हम देखते हैं कि जो इख्तियार था जो वहां पर डोमिनेट करते थे, दे वर फेरिसीज, फकीर फरीसी। और जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आए तो लिखा है कि वो वहां पर तालीम देने लगा। लिखा है कि लोग उनको फकीरों की तरह नहीं बल्कि साबे इख्तियार की तरह तालीम देता था। दैट वाज हिज ऑन टीचिंग। मुझे एक दफा मधु किया गया, 400 साल गुरु ग्रंथ साहब की बरसी थी और मुझे उन्होंने एनिवर्सरी, तो मुझे स्लो में इनवाइट किया गया गुरुद्वारा में। मैं रेडियो के प्रोग्राम करता था और जो मेरे सिख भाई हैं उन्होंने बड़ा प्यार किया, उन्होंने कहा जी आप आए और आप वचन सुनाएं हमारे गुरुद्वारा में। तो मेरे कुछ जो क्रिश्चियन जो बहन भाई हैं वो भी स्लो से वहां पर आगे, उन्होंने कहा पता नहीं क्या कोई मसला ना पैदा हो जाए। तो मैंने उन्हें कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहां पर हम गए और वैक्सम रोड पर जो गुरुद्वारा है वहां पर मैंने जो है खुदा का पाक कलाम जो है पेश किया। और मैंने खुदा से पूछा कि खुदा मैं क्या यहाँ पर कलाम पेश करूँ। तो खुदा ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ग्रेटेस्ट गुरु है, टीचर है। तो मैंने वहां पर ये सिखाया कि हर गुरु जो है वो दूसरे गुरु से मुतासर होकर गुरु बनता है। और ये जो टीचर है, जो गुरु है, सिख का मतलब है सीखने वाला। तो सिखिया जो होती है, जो टीचिंग होती है। तो मैंने वहां पर ये सिखाया कि खुदा यीशु मसीह की तालीम अपनी तालीम थी। He was not following the teaching of other teachers। वो महान गुरु है, उस जैसा और कोई नहीं है। लिखा कि वो साहिबे इख्तियार की तरह तालीम देता था। और खुदा में जब तालीम देते थे तो ये कहते मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं तुमसे ये कहता हूं। ये उसका इख्तियार था और लोग उसकी तालीम से हैरान हो गए क्योंकि वो फकीहों की तरह, वो तो कोट करते थे ओल्ड टेस्टामेंट को, ये ओल्ड टेस्टामेंट में ये लिखा है, पुराने अहदनामे में ये लिखा है, शरीयत में ये लिखा है। Nobody dared to say कि जी मैं ये कहता हूं। लेकिन खुदा यीशु मसीह हर जगह जब भी वो तालीम देते, मैं तुमसे ये कहता हूं। अगलों से ये कहा गया था पर मैं तुमसे ये कहता हूं। खुदा यीशु मसीह बाख्तियार तरीके से तालीम देते थे।
और ये कहती ये तो नई तालीम है। अब हुआ क्या वहां पे, हम जिस दफ्तर पढ़ते हैं तो वहां पर फकीह फरीसी भी थे और खुदावंद मसीह जो है, अब जो स्क्राइब होते थे वो तोरा को बड़ा गहरे तौर से समझते थे, दे वर एक्सपर्ट, वो इसके बड़े माहिर थे। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो ये ऋषि थे, फकीह थे, और उन्होंने देखा कि ये कैसे बाख्तियार तरीके से तालीम देता है, हैरान हुए। अब उस सबातखाना में हम देखते हैं कि एक शख्स था जो कि जिसमें नापाक रू थी, इविल स्पिरिट। उस आदमी की कंडीशन को देखिए कि वो जो ये एक बड़ी खतरनाक हालत थी, बदरवा किसी शख्स में आ जाना। तो ये खुदावंद की पहली विक्ट्री थी जो उसने इविल स्पिरिट पर, उसकी पावर पर जो हासिल की। अब वो जो इविल स्पिरिट्स हैं, अब ये देखिए कि ये डिमोनिक स्पिरिट है। अब ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या कहती हैं? और उसे जिसमें इविल स्पिरिट थी वो यूं कहकर चलाया कि आई यीशु नासरी, हमें तुझे क्या काम, क्या तुम्हें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। ये जो इविल स्पिरिट्स हैं, इट्स अ रियलिटी। बहुत सारे लोग इस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन हमने देखा कि ग्रासिनियों के उस जगह पर भी जो कब्रिस्तान में जो शख्स रहता था वो अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था और जंजीरों से जब उसको बांधते तो उनके काबू में नहीं रहता था, तो खुदावन ने उसको जो है वो शिफा दी। तो ये जो ऐसी जगह थी, बियाबान, डिजर्टेड प्लेसेस जो थे, वहां पर ये जो गारों में और कब्रिस्तानों में, ऐसी जगहों पर ये जो बदरवा थी ये रहती थी। और ये बदरू जो है ये चलाई जब वो यीशु से मिलती है, बिकॉज उसको पता था कि ये खुदा का कुदूस है, खुदावन की कुदरत, उसकी ताकत वो जानती थी। एस्टोनिशमेंट, हैरानगी, खुदावन के अंदर बचाने की ताकत है, गुनाह माफ करने की ताकत है। He can pardon our sin. He can save the sinner. खुदावन का जो इख्तियार है बदरुआ पर, नेचर पर, हवा और पानी उसका हुक्म मानते हैं। अब ये बदरू जानती थी कि ये हमें हलाक कर सकता है। अब ये बात याद रखें कि जो इविल स्पिरिट्स हैं, देखो नो बॉडिकल में बात करूंगा, कार्नल माइंड पे जरूर आप कल बात अटेंड कीजिएगा। तो ये जो इविल स्पिरिट्स हैं, दे डोंट हैव बॉडी, ये फॉलन एंजल हैं, वन थर्ड एंजल जो गिराए गए। अब ये इंसानों के अंदर दाखिल होना चाहती हैं, ये वहां पर रहती हैं और उनको कंट्रोल करती हैं, बॉडी सोल एंड स्पिरिट। कल हम इस पर बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन एक तो ये जो जिस्म है, फिर हमारी जान है, फिर रूह है। अब खुदावंद का रूह जो है वो हमारे अंदर जब आता है तो वो हमारे जहन को, हमारे जिस्म को वो कंट्रोल करता है, उसकी हम जब अगर बात मानते हैं। तो जो इविल स्पिरिट है जब वो इंसान के अंदर आ जाती है, फिर उसके जिस्म को वो कंट्रोल करती है, उसकी बॉडी को कंट्रोल करती है। इसलिए वो अपने ताई पत्थरों से जख्मी करते, अपने आप को मारते, दूसरों को नुकसान पहुंचाते। लेकिन they got the conscious, वो जानती है, उनको खबर है, वो कहती है कि तू खुदा का कदूस है। यीशु ने से झिड़कर कहा चुप रह और इसमें से निकल जा, इसलिए कि अभी उनका वक्त नहीं आया था। जीसस फाइनल डेस्टिनेशन वॉज क्रॉस। लोग जब ये कहते थे कि तू खुदा का कदूस है, तू खुदा का बेटा है, चाहे वो बदरुआ थी, चाहे लोग थे, जब शफा पाते थे तो कहते तू यीशु नासरी है, तू प्रॉमिस मसीहा है, लेकिन यीशु उनको चुप कराते थे क्योंकि वो अपने आप को जलाल नहीं देना चाहते थे, वो अपनी बड़ाई नहीं चाहते थे, बल्कि वो उस मिशन को, उस काम को मुकम्मल करना चाहते थे जिसके लिए वो दुनिया में आए थे।
His final destination was cross. और खुदावन इसलिए उसको कहा कि चुप रहे, इसमें निकल जा। इतनी आसान बात, इसने जड़ कर कहा चुप रहा और इसमें से निकल जा। कोई डंडे नहीं मारे, कोई आग में नहीं उसको चलाया, कोई पानी में नहीं फेंका उसको, ना? जैसे कि हमारे जो सो कॉल्ड जो हमारे जो क्रिश्चियन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, बालों से पकड़ते, जूतियां मारते, मुसलमानों में भी मैंने देखा, गैर कौमों में भी। लेकिन जब खुदावन का रूह हमारे अंदर काम करता है, आप सिर्फ कह दें तो हो जाता है। एक लंगड़ा जो हैकल के बाहर बैठा हुआ था, पत्रस ने जब उसको शफा दी, उसने कहा कि रुपया पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम में हुक्म देता हूं कि उठ और चल। फिर आपको लोगों के बाल पकड़कर उसको थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है, आपको और ऐसे काम करने की जरूरत नहीं, डंडे मारने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ जीसस। आप सिर्फ उसका नाम लें और उसके नाम से बदरूहें भाग जाती हैं। यीशु ने कहा निकल जा और वो बदरू निकल गई। बस उन्होंने पाखरू से मरोड़ कर और बड़ी आवाज से चलाकर उसमें से निकल गई। दिस वाज नो क्वेश्चन, नो आर्गुमेंट। द न्यू हु ही इज, वो कौन है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट अथॉरिटी एंड पावर ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, देन यू नीड टू कम टू द प्लेस ऑफ वर्शिप। आपको खुदा के घर में आने की जरूरत है, इबादत खाना में आने की जरूरत है, आपको खुदा के साथ रफाकत की जरूरत है। अगर ये बदरू गिरफ्तार शख्स उस दिन उस जगह पर ना होता तो वो शफा ना पाता। Why people are not receiving their healing? Because of their stubbornness. They are away from God. They are away from the churches. That's why people are suffering. If you want to receive your healing, if you want to keep fellowship with your God, you need to come to church and have that fellowship with Him. लिखा है कि सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बात करने लगे, ये क्या है, ये तो नई तालीम है। वो नापाक लोगों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और उसका हुक्म मानती है। जीसस ही इज डूइंग द अमेजिंग थिंग अमंग अस। वी नीड टू एक्नॉलेज हिज अथॉरिटी। हमें खुदा उनके पास आने की जरूरत है, उसकी इबादत करने की जरूरत है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आपको तसल्ली नहीं है जिस भी मजहब में आप हैं, मैं हैरान होता हूं कि बहुत सारे जो हमारे नॉन क्रिश्चियन जो बहन भाई हैं, वो अक्सर आते हैं और मसाइल लेकर आते हैं, कहते जी आपकी बाइबल में ये लिखा है, हमें इस बारे में सिखाएं। खुदावन का पाक कलाम हमें हर एक बात के बारे में सिखाता है। तालीम की बड़ी ही जरूरत है, भाई मुकद्दस की तालीम की। खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो अरशाद आजम दिया, उसमें हम इस बात को देखते हैं। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 28 बाब और उसकी 18 आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड। जीसस क्राइस्ट इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। यू नीड टू रिलाई अपॉन हिज अथॉरिटी। We need to make the disciples in this world. हमें लोगों को शागिर्द बनाना है, उनको तालीम देनी है। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम रिचुअल्स पर बहुत ध्यान देते हैं। हम कहते हैं कि चलो ये आए नहीं बपतिस्मा ले लें, बट देयर इज नो फॉलो अप। फला
मिशन के नाम पर बपतिस्मा ले लें, फलां तंजीम के नाम पर बपतिस्मा ले लें। एक एक शख्स ने पता नहीं दो दो तीन तीन बार बपतिस्मे लिए होंगे, बट देयर इज नो डिसिपलशिप। हमारा इस चैनल का, इस टीवी का, इसको कैरी ऑन करने का मकसद जो है वो एक इंस्टीट्यूशन को कायम करना था। इट्स नॉट एंटरटेनमेंट चैनल। यहां पर आप ड्रामे नहीं देख सकते, यहां पर आप और एंटरटेनमेंट के चैनल नहीं देख सकते, यहां पर घोड़ों की रेस नहीं हो रही, गाड़ियों की रेस नहीं हो रही। दिस बाइबल टीवी इज एन इंस्टीट्यूशन। यहां पर अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जाती कि देखिए जी मैंने इतने लोगों को हील कर दिया, मैंने इतने झंडे गाड़ दिए। दिस इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये खुदावन के जलाल के लिए, लोगों को तालीम देने के लिए इस माध्यम को शुरू किया गया। दैट्स व्हाई दिस इज अ बाइबल टीवी। इट्स ग्लोबल इंटरनेशनल चैनल। जब तक अंजील का पैगाम, उसकी खुशखबरी दुनिया के कोने कोने तक ना पहुंचे, उसकी आमद नामुमकिन है। अगर यीशु अभी तक नहीं आ रहे, इसमें कसूर मेरा और आपका है, क्योंकि हम उसके कलाम को अभी तक लोगों तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए। हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे। सो विल कम टू द प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर आप खुदा के घर में आएंगे, द सर्वेंट ऑफ गॉड, दे विल इक्विप यू। वो आपको इस काबिल करेंगे, आप कलाम सीखेंगे, आप दुआ करेंगे, आप शफा पाएंगे, आप कुवत पाएंगे। इब्तदाई कलीसिया में, हिमाल की किताब में हम इस बात को देखते हैं कि सब लोग एक जगह जमा होते थे, इकट्ठे मिलकर दुआ करते थे, कलाम सीखते थे, और कोई भी अपने माल को अपना नहीं समझता था। सब अपनी जायदादें बेच बेच कर एक दूसरे की एहतियातें रफा करते थे। That was the model of the first century church. Why we are not practicing that sort of the spirituality? हम आज अपनी कलीसियाओं में इस पैटर्न को क्यों डेवलप नहीं कर रहे? क्यों हम खुदा के घर में नहीं आते? हमने बहुत सारे और वेन्यू जो है हमको खोल रखे हैं कि जितने भी काम और होते हैं वो हमने संडे को करने होते हैं। छुट्टी है, चलो आज ये कर लो। लेकिन अजीजो, वक्त बहुत करीब है। खुदा उनकी इबादत करें, उसकी हमदोसना करें, उसके घर में आए। एंड वेरी सून होपफुली विल बी एबल टू ओपन द चर्च फॉर द कम्युनल वर्शिप। दुआ करें इस बात के लिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी इश्यूज, बट वी आर प्रेइंग टू गॉड कि खुदा ऐसा करे कि हम सब एक बार फिर खुदा के घर में इकट्ठे हों, मिलकर खुदा की इबादत कर सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें। बट कीप इन योर माइंड दैट वर्शिपिंग टूगेदर इज वेरी क्रूशियल, इट्स वेरी वाइटल। यू कैन वर्शिप एट होम, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट कम्युनल वर्शिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग आजकल तो बड़ा सहूलत है, जूम पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ना पेट्रोल खर्चो, ना मेकअप का खर्चा, ना गाड़ी का खर्चा, है ना, ना चंदा देना पड़े, चलो आराम से घर बैठे हैं। लेकिन खुदा के घर में आना बहुत जरूरी बात है। Zoom is a substitute of the church. ये जो हम आपके लिए सहूलत लेकर आए हैं, ये वक्ती है, लेकिन खुदा के घर में आना बहुत जरूरी बात है। अबलीस नहीं चाहता कि हम खुदा के घर में आए, अबलीस हमारे कदमों को रोकता है। अजीजो, अगर आप शफा पाना चाहते हैं, तालीम पाना चाहते हैं, दूसरों के साथ रफाकत रखना चाहते हैं, देखिए चर्च जो है ये एक खानदान है। हम एकलीसिया की तरह बाहर ईमानदारों की जमात है। तो जब आप दूसरे बहन भाइयों के साथ मिलते हैं, जो कि दुख दर्द में शरीक होते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो खुदा खुश होता है। इसलिए खुदा के घर में आए, रफाकत रखें, प्यार करें और उसके नाम को जलाल दें। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। कल आपसे मुलाकात होगी 10:30 बजे इंग्लिश सर्विस में, और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में। हम जूम पर और लाइव सोशल मीडिया पर होंगे। खुदा आपके साथ हो, आपको अपनी पनाह में रखे। आइए हम दुआ मांगें।
खुदा बुजुर्ग पाक खुदा तेरे शुक्र तेरी तारीफ हो कि प्यार खुदा तू बाख्तियार तरीके से तालीम देता है। तू ये चाहता है कि तेरे लोग तेरे घर में आए, तेरी इबादत करें, तेरी परस्तिश करें। खुदा तू हमें ये सिखा के हम रूह और सच्चाई से तेरी परस्तिश कर सके, तेरी इबादत कर सके। खुदा मौत साथ हो, लोग तेरे कलाम को सीखें। खुदा हम इस वक्त हम दुआ करते हैं कि तू ऐसा मुमकिन करके ये चर्चेज दोबारा खुल सकें और तेरे लोग तेरे घर में आकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावन हम उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस वक्त आइसोलेशन में हैं, खुदावन जो कि इस वक्त मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तो हम सबके साथ हो। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं एल्डर सरफराज साहब के लिए, एल्डर मरीन के लिए, जिन्हें खुदावन तो सलामती से पाकिस्तान से लेकर आया है। खुदावन तो हम सबको बड़ी बरकत दे और प्यारे खुदावन हमेशा अपनी पनाह में लिए रहे, हर दुख से, हादसे से, वबा से बचा के महफूज रख। बच्चों के साथ हो, बुजुर्गों के साथ हो, इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं। खुदावन मुल्क के सरबराह के लिए और दीगर तमाम बहनों भाइयों के लिए दुआ करते हैं, उनके साथ हो जो तेरे नाम से सताए जा रहे हैं। खुदावन उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जितने लोग भी सोशल मीडिया पर हमारे साथ हैं, खुदावन मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। दुआ करते उन्हें छू, इनके कारोबार में इनके साथ हो, इनके घरों में खुदावन तो चलता फिरता हुआ नजर आए, इनके खत्ते हमेशा भरे रहें और कभी भी किसी चीज की कमी ना आने पाए। बड़ी बरकत है, यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। कि जी, गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि एंड आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जो लोग भी अभी हमारे साथ सोशल मीडिया पर, मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ वक्त देने के लिए, प्रोग्राम को देखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।